सभी सांसदगण मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पे अपना समर्थन व्यक्त करती हूँ और कोरोना के महामारी में जब देश एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश में 80 करोड़ लोगों को इसकी मदद हुई और जिस क्षेत्र जिस राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पर 7 करोड़ से भी ज्यादा अधिक लोगों को ये योजना का लाभ मिला है। तो उसके लिए मैं पंत प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महोदय अध्यक्ष महोदय, उज्ज्वला योजना के दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर के लाभ भारतवर्ष में 14 करोड़ से भी ज्यादा माताओं बहनों को इसका लाभ मिला है और मेरे राज्य में महाराष्ट्र राज्य में 7 से भी ज्यादा लाख महिलाओं को माताओं को इस चूल्हा से राहत मिली है और धुएं से साइड में रख के उन्हें घर तक ये फ्री सुविधाएं दी हैं। उसके लिए उनका दिल से आप वहां से ऐसे करेंगे तो ऐसे लगेगा समय समाप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं और कोरोना के साथ साथ राज्य सरकार की लापरवाही और फेलियर के कारण लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। पीएम केयर फंड के महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंस, सैनिटाइजर, बेड, मास्क और 42 कोविड कोरोना टेस्टिंग लैब और कई सारी सुविधाएं दी हैं। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने पीएम केयर फंड का सबसे ज्यादा विरोध किया, राज्य के मुख्यमंत्री सहित सहायता निधि बंद कर दी। पब्लिक हेल्थ के विषय राज्य के अंदर होते हैं, अंतर्गत होते हैं, राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र ने इसकी जवाबदारी ली और हमारे मुख्यमंत्री ने इस काल में माझा कुटुंब माझी जवाबदारी हे नारा देते हुए वो पूरे समय बोलते रहे कि माझी कुटुंब माझी जवाबदारी, पर उन्होंने हमारी महाराष्ट्र हमारी जवाबदारी पूरे कोरोना पीरियड में 1 भी टक्के नहीं ली। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जीवित हानि होने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए डेथ रेट भी छुपाए हैं हमारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की हेल्थ की परिस्थिति आज इतनी खराब है, इसी का उदाहरण कुछ दिन पहले भी हमारे सभी के सामने आया है। यवतमाल जिले में 12 बच्चों को पोलियो डोज की जगह पे सैनिटाइजर डोज दिया गया और उसके कुछ दिन पहले हमारे भंडारा जिले में अस्पताल में आग लगने से आईसीयू में जहां अपनी माताएं अपने बच्चों को पैदा होने के बाद इमीडिएट 1 डे के 2 दिन के बच्चों को वहां पर रख के आईसीयू में ठीक करने लेके गए थे, वहां के अस्पताल की लापरवाही की वजह से 10 बच्चों की जीव के साथ खेलने का काम ये मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र करते हैं और उस पर कोई बयान नहीं करते, उसकी सुविधा पे कोई बात नहीं करते। ऐसी परिस्थिति हमारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सस्ती मेडिसिन देने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से 500 से अधिक जेनेरिक मेडिसिन आउटलेट शुरू होने से लोगों को सस्ते तरीके से इलाज हो रहा है। उसके लिए मैं दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। नागपुर में स्थापित एम्स के वजह से जो लोग अच्छे इलाज के लिए मुंबई या हैदराबाद जाते थे, आज विदर्भ के अंदर जब एम्स आया है तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट विदर्भ में बिलोंग करते हैं उनका सभी का इलाज ये एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रहा है और इस स्कीम के अंतर्गत 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने इस स्कीम के अंतर्गत ऑपरेशन स्कीम के अंदर करवाए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 12 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है और इसमें मेरे जिले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 50,000 लोगों को घरों की व्यवस्था सुविधाएं मिली हैं। अध्यक्ष महोदय 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में कृषि संबंधित अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए थे जिस वजह से एक समय इरिगेशन में पीछे रहने वाला महाराष्ट्र माइक्रो इरिगेशन में टॉप 5 में आता था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के आधार पर ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार इस सफल योजना को लागू किया गया और इसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट 22,000 गांवों में पूरे किए गए।
दुर्भाग्यपूर्ण महोदय, ठाकरे सरकार ने इस योजना के को स्थगिति देने का काम किया है। हमारे महाराष्ट्र में एक चलन चला है, जो भी केंद्र से योजना आएगी उसे पहले स्थगिति देना है, विरोधी पार्टी से आएंगे तो उनके कामों को स्थगिति देना है। तो हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में ठाकरे सरकार की गवर्नमेंट को स्थगिति सरकार करके नाम हमने दिया हुआ है। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पिछली सरकार जब जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब थे, जब उन्होंने जो जो योजना लाई, अगर आप उनके नाम पढ़ेंगे देखेंगे तो लोगों को भी हैरानी होगी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्थगिति कोई सरकार कैसे दे सकती है। उसमें मुंबई मेट्रो के बारे में आप बात कर सकते हैं, आरे कार्ड शेड, बुलेट ट्रेन, ग्राम सड़क योजना, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड, सीएम फेलोशिप, मुंबई पुणे हाइपर लूप, नगर विकास और ग्रामीण विकास की कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को स्थगिति दी है। जब दिवाली के दिन पूरा देश दिए से रोशन हो रहा था, तब महाराष्ट्र के किसान के घर में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की वजह से अंधेरा था। जब मैंने विधायक रवि राणा जी ने किसानों के मुआवजे देने के लिए आवाज उठाई, तब तानाशाही सरकार ठाकरे सरकार ने सैकड़ों किसानों के साथ विधायक राणा जी को 3 दिन तक अरेस्ट करके जेल में रखा। जब हम इस किसानों के साथ महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के पास जाकर निवेदन देने की विनंती कर रहे थे, तो तानाशाही सरकार ठाकरे सरकार ने हमें हमारे ट्रेन में और सैकड़े किसानों के साथ डिटेन करके हमें मुंबई पहुंचने नहीं दिया। और एक सबसे कमाल की बात लगती है, लोकसभा में किसान बिल को समर्थन करते हैं, राज्यसभा में वॉकआउट करते हैं। जब महाराष्ट्र में मुंबई आके महाराष्ट्र के किसान विरोध दिखाते हैं तो महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार मुख्यमंत्री उन्हें जाके मिलते नहीं है, पर इनके फ्लोर लीडर जाके यहाँ के किसानों को गले लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये दोगली सरकार, सिर्फ आखिरी के 2 ही मिनट है मैडम, सिर्फ आखिरी के 2 ही मिनट है, ये ठाकरे सरकार की राजनीति जो तरीके से दोगली चल रही है, ना यहाँ का समझ आ रहा है ना वहां का समझ आ रहा है, सिर्फ स्थगित ही सरकार है। और उसके साथ साथ आज तो एक नया कुछ प्रॉब्लम हमारे महाराष्ट्र में हुई है, आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी जिनको सभी युवक आइडल मानते हैं, और आदरणीय लता मंगेशकर जी जिनके स्वर में सरस्वती विराजमान है, ऐसे दोनों महान हस्तियों को आज उनके ऊपर चौकसी लगा के FIR दाखिल करेंगे अगर इन्होंने वो किस बात में, जो बाहर के देश के विदेश के लोग हमारे देश में होने वाले फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए हित में वो ट्वीट करते हैं, इसलिए इन्होंने विरोध दिखाया करके इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके ऊपर केस गुना दाखिल होना चाहिए। ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, जिन्हें भारत रत्न और ये रत्नों से हमने सचिन तेंदुलकर जी को पद्म भूषण दिया गया, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया है, सबसे श्रेष्ठ जो बोल सकते हैं सबसे बड़ा अवार्ड अगर देश में किसी को दिया गया है, तो मुझे लगता है लता मंगेशकर जी के ऊपर इंक्वायरी बिठाने की सोच और उसके पीछे बोलना क्या जा रहा है कि भाजपा ने इनके ऊपर दबाव डाला करके इन्होंने ट्वीट किया है। मुझे लगता है कि 1 मिनट और दे देना चाहिए, हमारे जैसे लोगों पे अन्याय मत कीजिए सरकार, प्लीज आपसे एक ऐसी कठिन पर थैंक यू सो मच, एवरीबडी इज हेल्पिंग मी कि और ऐसी कठिनाइयों से जा रहा मेरे जिले के 3 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अलॉट किए गए प्रति व्यक्ति की हो अपा जी, आप पंजाबी भी बोलांगे 6,000 रुपए मिले पीएम फसल बीमा योजना से। महाराष्ट्र में पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा किसानों ने इसका लाभ लिया और किसानों को बीमा ₹4,000 करोड़। जस्ट लास्ट प्लीज कंक्लूड टाइम यू सी द टाइम किसान सर 2 मिनट सर, देर आर नंबर ऑफ स्पीकर बिफोर 12 o'clock वी हैव टू फिनिश प्लीज एवरीबडी स्पोक सो मच बिग नो योर टाइम इज ऑलरेडी ओवर नाउ यू आर टेकिंग एक्सेस टाइम प्लीज सर प्लीज कंक्लूड आई नो आई एम द ओनली पर्सन यू सर लास्ट किसान रेल के माध्यम से मैं रेल मंत्री जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि कोरोना पीरियड में किसान रेल के माध्यम से महाराष्ट्र के किसानों को विशेष लाभ मिला। 100 किसान रेल से महाराष्ट्र के किसानों ने कोरोना काल में सब्जी और फलों के अच्छे दाम पर बेचे गए
मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी होती है कि महाराष्ट्र के किसान द्वारा उगाए गए 1100 टन से अधिक अनार किसान रेल द्वारा देश भर में मंडियों में बेचे गए। मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए कर्तव्य निष्ठा और धैर्य से कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस और बैंक कर्मचारी सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे कठिन परिस्थितियों में आगे रहे पर लोगों की रक्षा करने वाले टेम्पररी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, ऐसी आपसे मैं विनंती करती हूँ। और फ्री वैक्सीन और डॉक्टर को ध्यान में रखते हुए सभी को वैक्सीन देने का जो काम ये पंतप्रधान जी ने किया है और ये सरकार ने किया, इनका मैं दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। पीपी चौधरी जी, प्लीज। सर बीच में नहीं रोके, मैं अपना आप बंद हो जाऊंगा।